पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीते 8 दिनों से हड़ताल कर रहे नाविकों ने शनिवार को हड़ताल खत्म कर दी। बता दें कि नाविक गंगा में चल रहे क्रूज और उसको 80 घाट पर बांधे जाने के विरोध में हड़ताल पर थे। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर नाविकों को आश्वासन दिया, जिसके बाद उनकी हड़ताल खत्म हुई। आप लोगों का ये धरना चल रहा है काफी देर हो गया, तमाम आप लोगों ने आर्थिक नुकसान भी कहा है, ये भी फैक्ट है, लेकिन जनता की हो रही परेशानी और आपकी परेशानी दोनों के मद्देनजर पहले दिन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं रहा कि आपने लोकतांत्रिक तरीके से शुरू किया तो उसे अटेंड नहीं किया गया। इतने सकारात्मक माहौल में लगातार बातचीत चल रही है, फिर ये कहना कि हम फूंक देंगे, हम उखाड़ देंगे, नहीं ठीक है। अगर हम लोग की बातचीत नहीं होती, हम आपको नहीं सुनते, तो आपका आक्रोश समझ में आता। बाकी जहां तक मांगों की बात है, अभी हम लोग बात भी बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे, ये तय है कि रविदास घाट पे चला जाएगा 80 से और सामने घाट जिस दिन बन जाएगा उसके लिए प्रयास शुरू हो गया है, उस दिन वो सामने से सफल हो जाएगा।